खबर जनपद चंदौली से, जहां बीजेपी नेता व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी शुक्रवार को डीडीयू जंक्शन पहुंचे। यहां से उनको बिहार के मां मुंडेश्वरी मंदिर स्थित एक कार्यक्रम सम्मिलित होने जाना था। डीडीयू स्टेशन पर भाजपा नेता का भव्य स्वागत किया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह बिहार के मां मुंडेश्वरी मंदिर हर साल जाते थे, पर कोरोना काल के दौरान वह मां का दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने मां मुंडेश्वरी के मूर्ति की कार्बन डेटिंग की जानकारी देते हुए मां की मूर्ति को काफी प्राचीन बताया। वहीं रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए बोला कि जो भी रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं वह रावण है। बताया कि प्रभु श्री राम और सनातन धर्म पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है और हमारी देश की जनता सब जान रही है। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया कि धर्म का प्रचार करना अपना फर्ज बनता है और कहीं ना कहीं हनुमान जी की उन पर भी कृपा है। संवाददाता डीएन तिवारी की रिपोर्ट।